अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजलो करम से अच्छे होंगे। आप सबको जुमा मुबारक। और हम लोग गए थे मेरी छोटी बहन के घर इफ्तियारी के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे बहन के घर इफ्तियारी कितनी बार जाते। माशाल्लाह हम लोग 7 बहनें हैं और एक भाई है हमारा। हम 7 बहनें, हम 7 हैं। इस तरीके से हम 7 बहनें बहुत अच्छे से, मोहब्बत से, अच्छे से रहते हैं। तो ऐसे इफ्तियारी के लिए मैं खुद होके जाती हूँ, वो सबसे आना नहीं होता है मेरे लिए। क्या मेरे पास छोटे बच्चे नहीं हैं? इस वजह से मैं सबके घर इफ्तियारी के लिए चली जाती हूँ। तो पहले गई थी मैं मरोल वाली बहन के घर पर, वो 4th नंबर बहन है। फिर गई थी मैं 3rd नंबर बहन के घर किंग सर्कल। अभी ये जो गई थी मैं वडाला सीढ़ी, सबसे छोटी बहन है वो, उसके घर हम लोग इफ्तियारी के लिए गए थे। तो मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ। और मेरे भाई भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है मेरे भाई, उसके बीवी बच्चे माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन लोगों को अच्छा रखे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। मेरा भाई क्या है ना, दूर है, इस वजह से हम लोग हमारे भाई के पास नहीं जा पाते हैं। हम बहने बहने एक दूसरे से करीब भी हैं, नज़दीक भी है, तो हम बहने बहने एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे के घरों पे आते जाते हैं। अच्छा लगता है, मोहब्बतें बढ़ती है, रिश्ते मज़बूत होते हैं एक दूसरों के घरों पे आने जाने से, खुशियाँ मिलती है। अभी मेरी छोटी बहन है रिजवाना, उसकी तबीयत ख़राब रहती है और इस वक्त अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दुआ कीजिए आप लोग कि उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। वो बोल बताई कि उसके लीवर में बार बार सूजन आती है, तो इस वजह से उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। इन दिनों अभी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो इस वजह से हम लोग उसके भी घर गए। घर एक दूसरे से मिलने से थोड़ा दुख कम हो जाता है, थोड़ी तकलीफ़ें कम हो जाती है। अपने मिलते हैं, अपने आते हैं तो अच्छा लगता है। सारे दिल की हाल कहते हैं, सब कुछ सुनाते हैं अपनों से। बहने बहने क्या माँ की जगह होती हैं बड़ी बहनें। और मैं मेरी सब बहनों के लिए मैं उनकी माँ की तरह हूँ। किसी बहन ने मेरे को बोली कि मुझे कुछ हुआ है तो मैं फ़ौरन पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है। माशाल्लाह मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, कहीं भी जाओ वो मुझे मना नहीं करते हैं कि हाँ रिश्तेदारी है तो जाना है, जा। तो कल हम लोग मेरी बहन के घर गए थे, उसको ऐसा लगा कि हाँ मेरी माँ मेरे घर आई। वो बहुत खुश हुई, उसकी आग भर आई कि हाँ भाई मेरी बहनें मुझसे मिलने आई हैं, मेरा सुख दुख पूछने के लिए आई हैं। उसको बहुत अच्छा लगा। आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। वो सबसे छोटी है और थोड़ा नाजुक है वो, उसको कुछ भी तकलीफ़ होती है तो वो उसको बहुत दुख होता है। हम बहनों में सबसे छोटी बहन है वो, बस अल्लाह ताला उसकी तकलीफ़ को दूर करे। आप लोग सब लोग दुआ करना उसकी तकलीफ़ दूर हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए और उसकी और उसके बच्चों की ईद अच्छी से हो जाए, क्योंकि बच्चे हैं छोटे उसके, ईद की खुशियां रहती है बच्चों को। देखिए बोल रही हूँ, मेरा दिल भर आ रहा है क्योंकि वो सबसे छोटी बहन है हमारी। चलिए मैं दिखाती हूँ, हम उसके घर गए इफ्तियारी किए। मेरी बेटी ने पुलाव बनाई वहाँ पर। तुम बैठो इज्जो खाला, तुम बैठो, हम लोग काम करते, तुम बैठो हम लोग। बोली नहीं रे मुझे इतना भी कुछ नहीं है। नहीं नहीं बोले तुम बैठो। सब हम सब ने मिल के काम किए, इफ्तियारी तैयार किए। इफ्तियारी के बाद नमाज हुई, नमाज के बाद फिर पुलाव बनाए, फिर सब लोग खाना खाए। फिर खा के हम लोग आराम से वहाँ से 11 बजे निकले। हम लोग 11 बजे निकले, मुमरा आने तक मुझे 12:30 हो गया, 12:45 बज गया, हम लोग मुमरा पहुँचे। बहुत अच्छा लगा मिलके जाके, क्योंकि किसी की तबीयत ख़राब होती है, तीमारदारी के लिए जाना ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। जो इंसान बीमार है उसका दिल खुश होता है कि कोई मुझे मिलने आया, कोई मुझसे बात करने आया, कोई पूछने आया, खुश हो जाता है इंसान। इस वजह से किसी की तबीयत ख़राब है तो मिलने जाना बहुत ज़रूरी है और मिलना ही चाहिए। तो इंसान एक दूसरे का सुख दुख बताता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, अच्छा लगता है। चलिए मेरी बातें बहुत हो गई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना, शेयर भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसे लग रहा, अच्छा लग रहा है, ये मेरी बातें सब कैसी लगती हैं, ज़रूर मुझे बताना। और दुआ करना हम बहनों को, बहनों में इसी तरीके की मोहब्बत रहे और हमारा भाई भी खुश रहे।
चलिए मैं दिखाती हूँ अभी हमारी इफ्तियारी का। ये देखिए हम अभी मुमरा से कुरला से ट्रेन चेंज करके हरवर लाइन से ये कुरला में मेरी बेटी मिल गई, मेरे नवासा नवासी भी हम लोग को मिल गए। अब हम जा रहे हैं बोडाला। चलिए अभी हम बोडाला मिलते हैं। ये है वडाला स्टेशन, अभी हम वडाला उतरे हैं। हाँ चल हमने ये देखिए हम लोग आए हैं अभी वडाला बिलेवी रिज। ये अभी हम आए हैं वडाला स्टेशन से बाहर। यहाँ बस भी है, ये इधर टैक्सी के लिए चलो। ये अभी हम पहुंच रहे हैं हमारी बहन के घर। ये देखिए इसके घर का रास्ता माशाल्लाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कहीं बाहर घूमने की जगह गए। ये देखिए हम लोग मेरी बहन के घर पहुंच गए और वहां पर ये देखिए उसके घर के बाहर इतनी अच्छी झाड़ियां, इतना अच्छा है। लेबर कैम है ये, वहां लेबर कैम ये जगह का नाम है। माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है घर के बाहर, आराम से कुर्सियां डालो, ठंडे टाइम बैठो। ये देखिए शाम के टाइम सारे बच्चे बाहर खेलते हैं, बहुत अच्छा खुली जगह है। सब लोगों ने अपने अपने घरों के पास गार्डन बनाए हैं। देखिए इतने अच्छे फ्लावर्स के झाड़ लगाए हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन के घर के बाहर ऐसी दरवाज़ा, दरवाज़े के बाहर ही ये सारा मैदान है। और झाड़ इतने अच्छे अच्छे झाड़ बड़े बड़े लगे, नारियल का झाड़ है, केले का झाड़ है, पेरू का झाड़ है, बहुत झाड़ लगे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम बैठने के लिए। ये देखिए हम लोग गए तो इफ्तियारी में ही लगे, टाइम ही नहीं मिला हम लोगों को बाहर बैठने का, बस बच्चे ही थोड़ा बाहर खेल रहे थे, हम लोग को तो टाइम ही नहीं जमा क्योंकि पहुँचे ही हम 5 बजे। सर इफ्तियारी का तैयारी करने करने तक ही मगरिब हो गई, इसके बाद बाहर अंधेरा हो गया, इस वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर आए नहीं। बस बच्चों ने जाकर थोड़ा सा ऐसा वीडियो बाहर का सब बना कर लाए, नानी जी हम लोग बना कर लाते हैं वीडियो इस जगह का, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ पर। ये देखो ये मेरी बहन के घर पे हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर फ्रूट काटा जा रहा है। अभी रोल फ्राई किए हैं और अभी ये फ्रूट काट रहे हैं। ये देखिए मेरी दोनों बेटियाँ बैठी हैं। हेलो, हाँ बोल बोल। और अभी रोज है। हाँ देखना रे ब्लर आ रहा है। बाबा मैं दुपट्टा नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं मैं। ये शाम का इफ्तारी का टाइम हो चुका है। देखिए बाहर का समय कितना अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह ठंडा मौसम हो गया है और ये झाड़ियों के पास तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अभी रात का 11:15 बज रहा है, मैं भी मेरी बहन के घर से आई हूँ। हम लोग कुरला स्टेशन में हैं, अभी जा रहे हैं मुमरा, अंबरनाथ ट्रेन आई है। ये देखिए बस इसी ट्रेन में अभी हम लोग जा रहे हैं। चलिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। बस छोटा सा वीडियो बनाई हूँ मैं, बस वही आप लोग देखिए छोटा सा वीडियो मेरी बहन के घर का। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।